नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक और घर के प्लान के साथ बेहतरीन सा गांव के लिए ये हमने प्लान डिज़ाइन किया था तो दोस्तों आपको तीन बेडरूम का ऐसा नक्शा पूरे यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगा गांव के लिए कम जगह में बेहतरीन सा खूबसूरत सा ये हमने प्लान डिज़ाइन किया है तो किस तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग की ये चलते हैं बात कर लेते हैं सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस घर के प्लाट की साइज़ की तो ये आपका ट्वेंटी फोर फिट बाई थर्टी फिट का हाउस का प्लॉट है मतलब फ़्रंट से आपको जो साइज़ मिलती है ट्वेंटी फोर फिट मिलती है और इस प्लान की जो गहराई लेंथ है वो आपको तीस फिट मिलती है तो चौबीस फिट बाई तीस फिट का देख सकते हैं वेस्ट फेसिंग का ये आपका हाउस प्लान है फ्रंट से आपको वेस्ट फेस मिलता है नॉर्थ फेस साउथ फ़ेस और बैक साइड की तरफ ईस्ट फेस मिलता है तो दोस्तों इसमें आपको तीन बेडरूम देखने को मिलता है यहाँ पर आपका एक बेडरूम है पीछे दो बेडरूम है सीटिंग हॉल भी मिल जाता है तो किस तरीके से ये हमने हाउस प्लान डिज़ाइन किया है चलते हैं बात कर लेते हैं सबसे पहले फ्रेंड इसमें हमने जितनी भी वॉल लिए वो चाहे इनर वॉल हो या आउटर वॉल इसमें हमने सारी फाइव इंच की वॉल वॉलिए विथ प्लास्टर के साथ आप चाहेंगे तो अपनी आउटर वॉल नाइन इंच की भी रख सकते हैं बट यहाँ पर हमने फाइव इंच की वॉल के साथ ये हाउस प्लान डिज़ाइन किया है तो बात करते हैं सबसे पहले फ्रंट से यानी वेस्ट फेस से तो यहाँ पर मिल जाता है आपको फोर फीट का गेट यहाँ पर आप अपना फोर फीट का गेट लगा सकते हैं इससे आप आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको फोर फीट की गैलरी मिलती है आप चाहें तो यहाँ पर आप अपनी बाइक भी पार्क कर सकते हैं फिर उसके बाद फ्रेंड यहाँ से आप इस गैलरी से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक बेडरूम यहीं पर ही आपको एक डोर मिलता है तो अगर हम बात करते हैं इस बेडरूम के साइज़ की दस फिट बाइक ग्यारह फिट में आपको एक बेडरूम मिल जाता है और यहाँ पर फ्रंट में आप आपको एक विंडो भी वेंटिलेशन के लिए देखने को मिल जाती है तो सफीशियंट स्पेस में यहाँ पर आपको फर्स्ट बेडरूम देखने को मिलता है फिर उसके बाद दोस्तों इधर से आप और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मिल जाता है आपको सिटिंग हॉल तो सिटिंग हॉल जो आपको मिलता है काफ़ी बड़े स्पेस में मिलता है अगर इस सिटिंग हॉल के साइज़ की बात करते हैं तो ये आपको पूरी साइज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको एलेवन फिट मिल जाती है और यहाँ से लेकर ये इस वाली वॉल तक आपको फ़िफ्टीन फिट मिलती है तो एलेवन फिट बाई फिफ़्टीन फिट में यहाँ पर आपको मिल जाता है सिटिंग हॉल यहाँ पर आप अपना सिटिंग के पर्पज़ से सोफ़ा वगैरह भी लगा सकते हैं रख सकते हैं फिर इसी सिटिंग हॉल में एक तरफ से दोस्तों हमने सीढ़ी भी डिज़ाइन किया देख सकते हैं यहाँ से है, हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं यहाँ पर हमको लैंडिंग जो मिलती है तो इस लैंडिंग को भी इस तरीके से दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है ताकि कम जगह में हमारी सीढ़ी भी सीटाइप वाली सीढ़ी बन जाए तो इसी सीटिंग हॉल में एक तरफ से इस टाइप से आपकी सीढ़ी भी फ्रेंड बन जाएगी और यहाँ पर आपको किचन मिल जाता है सामने देख सकते हैं यहाँ पर आपको डोर मिलता है सीढ़ी के यहीं बगल में ही तो इसके साइज़ की बात करते हैं सिक्स फीट बाईस सेवन फीट सिक्स इंच में सफिशियंट स्पेस में यहाँ पर आपको किचन देखने को मिल जाता है और वेस्ट फेस की तरफ आपको विंडो भी देखने को मिल जाती है ताकि हमारे किचन का अच्छा सा वेंटिलेशन भी होता रहे उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पर एक वॉशरूम हमने रखा है सारे मंबर के यूज़ के लिए देख सकते हैं टॉयलेट एंड बाथरूम इसी हॉल में आपको मिल जाता है इसके साइज़ की बात करते हैं तो थ्री फिट सिक्स इंच आपको ये वाली साइज़ है और सेवन फिट आपको ये वाली साइज मिलती है तो सफिशियंट स्पेस में आपको यहाँ पर अटैच वाशरूम मिल जाता है वेंटिलेशन के लिए विंडो भी मिल जाती है फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने एक बेडरूम से एक वॉशरूम को और भी अटैच किया है देख सकते हैं इससे आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर पहले अगर हम बेडरूम की बात करते हैं इसके साइज़ की बात करते हैं तो 11 फीट बाई 11 फीट में ये वाला भी आपको बेडरूम मिलता है सफिशियंट स्पेस में ये बेडरूम है और यहाँ पर आपको एक वेंटिलेशन के लिए साउथ फेस की तरफ विंडो भी देख देखने को मिल जाती है फिर इसी बेडरूम से एक एक टॉयलेट एंड बाथरूम हमने इसी बेडरूम से अटैच किया है ताकि जो भी हमारे इस वाले बेडरूम में जो रहेंगे वो वो इस वाले वॉशरूम को यूज़ कर सकेंगे तो इससे भी हमने एक अटैच रखा है इसके साइज़ की बात करते हैं थ्री फिट बाईस सेवन फिट में सफ़ीसेंट स्पेस में ये वाला भी आपको वॉशरूम मिल जाता है फिर दोस्तों अगर हम थर्ड बेडरूम की बात करते हैं लास्ट बेडरूम की बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं पीछे हमने दो बेडरूम रखा था तो इस वाले लास्ट बेडरूम की बात करते हैं इसकी साइज जो है एलेवन फिट नाइन इंच ये वाली सामने साइज़ मिलती है और एलेवन फ़ीट आपको इसकी लेंथ मिलती है तो यहाँ पर आपका ये थर्ड बेडरूम था और इसमें भी आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो भी देखने को मिल जाती है तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारे ये घर का नक्शा था ओनली 24 फीट बाय 30 फीट का कम जगह में तीन बेडरूम का ये हाउस प्लान आपको कैसा लगा वेस्ट फेसिंग का दोस्तों प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर ये हाउस प्लान आपको अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और दोस्तों यहाँ पर हम कॉलम की भी बात कर लेते हैं कि इसमें हमारा देख सकते हैं कितना कॉलम हमें काउंट करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो कॉलम आ रहा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन टवेल्व थर्टीन और ये लास्ट हमारा फोर्टीन तो इसमें दोस्तों हमारा फोर्टीन कॉलम देखने को मिल रहा है और इसमें हमने जो कॉलम रखा है सारा वो हमारा नाइन इंच बाई नाइन इंच का सारा कॉलम है तो फ्रेंड फोर्टीन कॉलम के साथ ये आपका तीन बेडरूम का घर का नक्शे आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं गाँव के लिए और ये अगर ये हाउस प्लान आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें क्योंकि फ्रेंड हम आपके लिए डेली सभी तरह से सभी तरह की घर से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग